क्या हुआ शबरातन? और कितना टाइम चाहिए? बहुत वक्त हो गया है। जी काजी साहब, बस अभी थोड़ा सा, मैं अभी आ रही हूँ। जाहिद मियां, मेरी बात सुनना जरा। आलिया ने सब गड़बड़ कर दी है। माजी बीने ने कहा से इनकार कर दिया। मगर खदाम में तो ये बहुत अच्छा है जाहिद मियां, ये तुम्हें अपनी पड़ी हुई है। मेरी सारी जिंदगी की मेहनत और उम्र भर का भरोसा जो है वो मट्टी में मिल गया है, लेकिन अब करने को कौन रोक सकता है। आलिया को मैं घर जा के छोटी छोटी बोटियां करके कौओं को खिलाऊंगी। तो अब क्या जाहिद मियां, अब ये क्या अब निकाह नहीं होगा? चलो अब मेरे साथ आओ। आपा? हाँ माँ जी, मैं निकाह के लिए तैयार हूँ। वाकई माँ जबीन? मैं शक की कीमत आपको खोकर अदा नहीं कर सकती। हाय माँ जबीन, बस सोच लो, अभी भी वक्त है। किसी दबाव में आकर ये फैसला मत करना, फिर बाद में मुझे कोसूंगी। नहीं नहीं आपा, आप मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं कर सकती, मुझे भरोसा है आप पे। मेरी प्यारी माँ जबीन, अच्छी थी मैं तुम तो, मैं दिल खुश कर दिया। मौलवी साहब कब से इंतजार कर रहे हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ साहिब में, आओ आओ आ जाओ, यहाँ पे आओ, आइए यहाँ पे बैठ जाओ, बैठ जाओ मेरे बच्चे, आओ साहिब में आ जाओ। ये लो हाथ में। काजी साहब, आप है निकाह शुरू कीजिए। माँ जबीन बिनते अख्तरुल्ला, आपका निकाह जाहिद वल्द रजा अहमद से बेइवज हक महर 50,000 रुपये तय पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। नाला बेटे, बहुत देर हो गई है, मैं चलूंगी, जाहिद भी आता होगा। शुक्र बेटे, तुम मेरे घर छोड़ दोगे मुझे? जी अम्मी, थोड़ी देर और रुक जाएं, जाहिद भाई वैसे भी आजकल लेट ही आते हैं। वैसे आंटी, मैं सोच रहा था काश ये घर आपका होता, आप यहाँ रहती होती, आपका दिल नहीं करता? दिल तो बहुत कुछ करता है बेटे, लेकिन सच्ची बात तो ये है कि औरत का अपना कोई घर ही नहीं होता, ना बाप का ना शौहर का, इसीलिए मेरा कोई घर नहीं है। लेकिन नायला बीबी का होगा, मेरा घर छोटा ही सही, बेशक शानदार ना हो, लेकिन मुझसे ज्यादा आपकी बेटी का होगा, ये मेरा वादा है आपसे।